वकील अलखुबत इस्लामाबाद से, मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक तूफानी बदतमीजी बर्पा किया गया। हमने देखा था कि सियासत में गालम गलोच का कल्चर आम हो चुका था और सियासी कारकुनान एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, सियासी कायदीन जलसों में एक दूसरे की को ललकार रहे थे और उनकी उनके खिलाफ एक गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे। आज हमने देखा इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में भी गलीज जबान का इस्तेमाल किया गया, एक सहाफ़ी के खिलाफ ठट्ठे उड़ाए गए और वो सहाफ़ियों ने ये सब कुछ किया। इस पर बात करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हुआ कुछ यूँ कि आज एंकर इमरान खान रियाज, इसके साथ समी इब्राहिम और चंद बड़े एंकर थे जिनमें अरशद शरीफ मौजूद थे और मोहित पीरजादा थे, ये इन सब से मतीउल्लाह जान जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उनका 25 से 28 साल का एक तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का, वो कोर्ट रिपोर्टिंग के नाम से जाने जाते हैं और इसकी बुनियाद पे उन्होंने इस कोर्ट रिपोर्टिंग की वजह से उन्होंने एक भारी कीमत अदा की, उन्हें ऑफियर कर दिया गया और बेशुमार मामलात उनके लिए हुए। अब बात ये हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान ने जब एंकर इमरान खान रियाज से कुछ सवालात कर रहे थे तो इमरान खान रियाज और समी इब्राहिम ने उन्हें घेर लिया और साथ उनके कुछ और लोग थे जिन्होंने मज़ाहिया अंदाज में उन पर तमस्करे उड़ाए, उनके ठट्ठे उड़ाए गए और उन्हें यह कहा गया कि फौज की बैरकों में इनके साथ ज्यादती हुई थी, उनके साथ कुछ और भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इंतहाई उन्हें जो गलत अल्फाज जिनको पार्लिमानी अल्फाज कह सकते हैं हम, वो इस्तेमाल किए गए और मतीउल्लाह जान के उनका घिराव किया और उन्हें उनके खिलाफ ये सारी बातें हुई। ये हाई कोर्ट के बाहर सारे मामला पेश हुए, वहीं पर इमरान खान रियाज ने अरशद शरीफ को भी मुहातब करके बताया कि इनके साथ ये वाक़या पेश आया जब ये आर्मी के बैरक में थे। अरशद शरीफ ने खैर वो हक्के बक्के रह गए थे कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। खैर कुछ देर बाद इमरान खान रियाज को भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ये क्या किया, वीडियोस बन रही हैं और किस तरह की एक गंदी बचकाना और जो गलीज जबान इस्तेमाल की है उस पर उन्होंने कहा जी हम ये सिर्फ इनको एहसास दिलाना चाह रहे थे, चूँकि मतीउल्लाह जान का भी ये तरीका है कि वो लोगों को तंग करते हैं ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के जवाब लेने के लिए उनसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, तो हम उन्हें सबक सिखाना चाह रहे थे। तो मेरी अर्ज़ यह है कि जो अखलाकियात का दर्स देते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, टीवी चैनल्स पे बैठ के और जो इस कौम के आइडियल्स माने जाते हैं, इमरान खान रियाज इस वक्त वो सहाफ़ी हैं जिन्हें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी देखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका वाहिद और एक ही जरिया इंफॉर्मेशन वो एंकर इमरान खान रियाज हैं, वो उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें देखते हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, तो वो इस तरह की हरकत करे और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे और इस तरह ठट्ठे उड़ाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई नज़ेबा हरकत थी। मैं इस मेरे मतीउल्लाह जान से लाखों इख्तलाफात होंगे, मैं उनसे बेशुमार जगहों पे इख्तलाफात करूँगा, मगर इस बात पे जहाँ पे जिस तरह ये ठट्ठे उड़ाए गए, जिस तरह उन्हें हरासा किया गया, जिस तरह के उन पे अल्फाज कसे गए, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती तंजीमों को इस इन ये जितने लोग इस सारे वाक़े में शामिल थे जो सहाफ़ी हैं खुद भी और उन पर इस वक्त केसेस चल रहे हैं, वो केसेस के खिलाफ ही हाई कोर्ट गए थे, ये सहाफ़ती तंजीमों को इनसे जो है वो बिल्कुल इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इन लोगों को अपनी तंजीमों से इनके ताल्लुक का कता ताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए और साथ साथ हाई कोर्ट में भी इस पे बात होनी चाहिए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी इसका नोटिस लें कि एक सहाफ़ी को किस तरह से उसके खिलाफ गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल की गई और किस तरह के अल्फाज का चुनाव किया गया और किस तरह उसे हरासा किया गया। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।